आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नरेश मिश्रा की लिखी झलकी मुंशी इतवारी लाल। निर्देशन है विनोद रस्तोगी का। राजन की अम्मा पांचों उंगली घी में और ए राजन के बाबू भागमा तनी बगल में बैठ जाओ। अरे प्रेम से बतियाओ। बात करने का टाइम नहीं है। बात बात में तुम जरूरी बात भूल जाओगे। कौन सी बात? बस रह गए ना वही मिट्टी के माधो। पूछो कैसे कैसे। देखो आहारे बेहारे लज्जा ना कारे। काहे की लज्जा? अरे बेटवा हमारा है, दहेज हम छाती ठोक कर लेंगे। और का, बैल बेचो या बेटा ब्याहो, सौदा पहले पक्का कर लो। मगन रहू चोला, पक्का वादा कम न ज्यादा। आम नींबू और बेटी के बाप का गला दबाओ तभी उसमें रस निकलता है। अरे इसमें भी कोई शक है? तुमने हंस के बात की तो बात नहीं बनेगी। तब का गुस्सा से बात करूं? अरे नहीं जी, तनिक कड़े पढ़कर बात करना। ठीक है, कड़ा रहूंगा अकड़ा रहूंगा। रामपाल को हमारा राजन पसंद आ गया है। अपना राजन किससे कम है भाई, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है। ओ देदार है, इकलौता है, लाड़ प्यार में पला है। मगन रहू चोला। ऐसा घर पर मिले तो हम घर द्वार बेचकर बेटी के हाथ पीले कर दें। अरे हमें कौन बेटी के हाथ पीले करने हैं राजन की अम्मा, हमें तो बस अपनी गोट पीली करनी है। हाँ, वैसे मुर्गी मोटी है, सोने का अंडा देती है। और का, रामपाल का सारे जबार में नाम है, वो ईंट भट्टे का मालिक है। मगन रहू चोला, कहो तो भट्टा ही मांग ले। अरे भट्टा मांगोगे तो भट्टा बैठ जाएगा, हमें तो नगद नारायण चाहिए, जेवर चाहिए। अच्छा और सामान चाहिए। वो रामपाल आ रहे हैं, संभल कर बात करना। मैं चली अंदर। आइए आइए रामपाल जी। हाँ भैया, 20,000 का फलदान हो। लेकिन वो 10 थान सोने का जेवर, 4 थान चांदी के जेवर, 5 बनारसी साड़ियाँ और माफ कीजिए, मैं सौदा नहीं संबंध करने आया हूँ। कैसा सौदा? आपका सिर्फ गाल बजा के बेटी ब्याहना चाहते? मैंने ये तो नहीं कहा। पान फूल जो भी पन पड़ेगा वो भैया, पान फूल तो देवता प्रसन्न होते हैं। दहेज ही सब कुछ नहीं होता भैया, मेरी बेटी गुनों की खान है, अपने मुँह से क्या कहना, आप राजन बाबू से ही पूछ लीजिए। राजन से? वो आपकी लड़की को कैसे जानता है? दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं। मगन रहू चोला, भैया राजन को लड़की पसंद है तो हमको लेन देन पसंद है जी। आप हमारा दहेज दे दीजिए, लड़का आपका हो गया। दहेज तो मेरे बस का नहीं है। वाह वाह, दहेज आपके बस का नहीं है। फसल मैंने बोई, उसे जतन से पाला पोसा, जब फसल तैयार हो गई तो आप मुफ्त में हथियाने आ गए। भाई साहब आप मेरी बात, जाइए जाइए, कोई दूसरा दरवाजा खटखटाइए, दहेज का भाव पता चलेगा तब लौट कर आइएगा। हाँ मगन रहू चोला, भागमान तनी अपने बेटवा के बात सुन ले। का है राजन? लाडले अब ब्याह नहीं करेंगे। हाँ काहे हो? हमने रामपाल से सीधे मुँह बात नहीं की। अच्छा, का हम लड़की वाले हैं जो सीधे मुँह बात करें? अरे जिसकी 1000 गरज हो हमसे आकर बात करें। हाँ कहने को भट्टे वाले और दिल गोरसी के बराबर भी नहीं। अम्मा मैं भट्टे के साथ ब्याह नहीं करूँगा, मेरी पसंद भी तो कोई चीज है। मगन रहू चोला, सुनती हो राजन की अम्मा, अब अपने घर में भी कलजुग आ गया है। हाँ भाई कलजुग को छोड़ो, तुलारे भाई कलजुग को छोड़ो, ये बताओ कि भाई तुम्हारी दुकान पर खाद कब आएगी भगवान के फसल? अरे आइए आइए मुंशी जी। हाँ। खाद सब गोबर हो गई। अम्मा भाई क्या कहते हो, गोबर की खाद होती है, खाद का गोबर कैसे हो गया भगवान के फसल से? है बोलो, हमारे तो कर्म फूट गए। भाग फूट गए लौटा बेटा, बात काटना सीख गया। भाई राजन ये मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान के फसल से? मुंशी जी मैं अपनी शादी के बारे में आंख बंद नहीं कर सकता हूँ। हमने क्या आंख बंद करके शादी ब्याह किया भाई? देखो दुलारे भाई देखो, हमारे तुम्हारे ब्याह का जमाना गया। अब शादी ब्याह में लड़के लड़के की जो पसंद है ना वही पहली होती है भगवान के फजल से। राजन के बाबू। हाँ भागमान। सुना तुमने, राजन अंग्रेजी ब्याह करेगा। मुंह रहूं आंख का तो हूं को नहीं। भैया हम तो अब गांव से चले। अब भाई कहाँ चले भगवान के फजल से, कहाँ चले? अब हम काशी बास करेंगे मुंशी जी। राजन के बाबू
हमको भी साथ लेते चलो। अरे भाई नहीं 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 नहीं, देखो भाई दुलारे भाई, दुलारे भाई हाँ देखो भाई, मैं कहता हूँ कि तिल को तार बनाने से क्या फायदा है, पहले भाई मुझे राजन से बात कर लेने दो है, हो सकता है भाई कि उसके भी कुछ अरमान हो भगवान के फजल से। आप बात कीजिए, हमें अब राजन से क्या लेना देना। अच्छा भाई राजन आओ बेटे आओ भाई, देखे तुम्हारी शिकायत भी सुन ले भगवान के फजल से। कहिए रामपाल जी, दहेज का बाजार देखिए। जी हाँ देखाया, अब तो इसी घर नैया पार लगेगी। अच्छा हुआ ऊंट ने पहाड़ देख लिया। भाई साहब आपकी शरण आया हूँ, बाहर गए की लाज रखिए। अरे आप मेरी लाज रखिए, मैं आपकी रखूंगा। मुझे नकदी और जेवर देना मंजूर है। मगन रहो चोला, सामान भी देना होगा आपको, बिरादरी ऊपर बेटा दे रहा हूँ। सामान भी बता दीजिए। मोटरसाइकिल तो आप जरूर देंगे। मोटरसाइकिल और क्या, खुद मोटरसाइकिल पर चढ़ेंगे और आपका दामाद पैदल चलेगा। जी नहीं मैं पैदल चलूंगा, मुझे डॉक्टरों ने पैदल चलने को कहा है। मेरा राजन शहर जाने में तकलीफ होती थी, स्टेशन जाओ टिकट खरीदो तब गाड़ी पर बैठो। जी हाँ मैं समझता हूँ, और कोई सेवा हो तो। और का, अरे वही मेज कुर्सी बर्तन सर्तन, फर्नीचर स्टेनलेस सेट बर्तन क्राकरी सब दूंगा। और बोलिए। और मगन रहो छोला, अरे वो रेडियो जिसमें फोटो आती है उसको क्या कहते हैं, टेलीविजन। हाँ हाँ वही 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 दीजिएगा। वो भी दूंगा, अब तो ओखली में सिर दे ही दिया है भैया। दिल चौड़ा रखिए भाई साहब, हमें तो ऐसा ही समझी चाहिए, जो मुंह से निकाला सो हाजिर है। तो मैं अगले इतवार को परीक्षा देने आ जाऊं। आ जाइए आ जाइएगा, शुभ काम में देर का है कि। हाँ माँ पेट में बड़ा दर्द है। कैसा दर्द है बेटवा? लगता है पेट में घसियारिन घास छील रही है। अब का होगा, सब गुड़ गोबर हो गया। मुंशी जी अभी तक नहीं आए। बुलवाया है, आते ही होंगे। कल ही परीक्षा है और नहीं। और क्या हो गया, क्या हो गया राजन, कहाँ दर्द है भगवान के फजल से? मुंशी जी अब मैं नहीं बचूंगा। अरे भाई नहीं 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 भगवान, ऐसी बात ना बोलो बेटा। अम्मा पानी। बेटा ये लो पानी, हे शंकर भोले हे गंगा माई, हमारे राजन को ठीक कर दो, हम नरियर चुनरी चढ़ावेंगे। गई भैंस पानी में। अरे दुलारे भाई भैंस को जाने दो, बेटे की फिक्र करो भगवान के फजल से। हाँ मुंशी जी गांव के डॉक्टर की दवा नहीं लगती, मर्ज उनकी पकड़ में नहीं आया। अरे भाई देखो ना, मर्ज भी तो नए नए चल गए हैं भगवान के फजल से। हाँ सब बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता मुंशी जी। जी छोटा मत करो बेटा, हम तुम्हें शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा देंगे, हम तुम्हारे बराबर रुपया। भगवान हम चले गए तो परीक्षा का सरजाम कैसे होगा? मुंशी जी इन्हें परीक्षा की तैयारी करने दीजिए, आप मुझे डॉक्टर को दिखा लाइए। मुंशी जी हाँ मुंशी जी आप हमारी मदद कर दीजिए। अजी भाई देखो मदद से इनकार नहीं, लेकिन भाई मेरे खेत पर भी बहुत काम पड़ा हुआ है भगवान के फजल से। सब काम छोड़ दीजिए, अपने राजन की फिक्र कीजिए। अजी भाई देखो बहू तुम कहती हो भाई तो जाना ही पड़ेगा। हाँ मुंशी जी हाँ कल तक लौट आइएगा, ठीक है? ठीक है पाल परीक्षा देने आवेंगे। हाँ 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 देखो भाई दुलारे भाई मर्ज पर मेरा कोई काबू नहीं है। हाँ डॉक्टर कहेगा तो राजन कल ही आ जाएगा भगवान के फजल से। समधी जी राजन बाबू कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ते? शहर गए हैं भाई साहब सामान खरीदने, आते ही होंगे। हमें जल्दी परीक्षा देकर लौटना है। शुभ काम में देर काहे की, बस राजन को आ जाने दीजिए। भाई सोचा था क्या हो गया। अच्छा ये मुंशी जी आ गए हैं। भाई यहाँ तो होने वाले समधी जी भी तशरीफ रख रहे हैं भगवान के फजल से। मुंशी जी मैं परीक्षा के लिए हाजिर हूँ। जी भाई बड़े मौके से आए हैं आप। राजन कहाँ है? जी भाई राजन भी आ जाएगा, जरा तुम अंदर तो आना मेरे साथ। हाँ भाई अंदर तो आना। डॉक्टर ने यही बताया है भगवान के फजल से। इसीलिए उसके पेट में दर्द था। हाँ भाई इसीलिए उसका मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा था। भगवान मुंशी चाचा अब क्या होगा? अजी भाई देखो अब एक छोटा सा ऑपरेशन होगा भगवान के फजल से। ऑपरेशन? और ऑपरेशन के बाद जो दर्द है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो राजन है ना बस रजनी हो जाएगा भगवान के फजल से। हे शंकर भोले
तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अजी भाई मैं बताता हूँ, तुम राजन के लिए एक साड़ी और ब्लाउज निकाल दो फौरन, उसे अस्पताल में जरूरत पड़ेगी भगवान के फजल से। एक साड़ी ब्लाउज से क्या होगा मुंशी जी, गठरी भर दहेज कहाँ से आएगा? अजी भाई दुलारे भाई, डॉक्टर दहेज का नहीं, वो सिर्फ मरीज का इलाज कर सकता है। हम ऑपरेशन न कराए तब क्या होगा? तब अजी भाई तब राजन की जान को खतरा है भगवान के फजल से। अरे इस पार कुआं उस पार खाई, बोलो भगवान किसमें कूदोगी? राजन के बाबू तुम खामोश रहो। अरे तो हमने क्या कर दिया भाई, ये कलयुग है कलयुग, भगवान की टकसाल में जाली सिक्के ढलने लगे। अजी भाई देखो तुम लोग आपस में चोंच मत लड़ाओ। हाँ रामपाल जी जो है ना वो बैठक में बैठे हुए हैं, पहले परीक्षा का मसला तय करो भगवान के फजल से। हाय अब का तय करें, सोना तो लोहा हो गया। अरे नहीं नहीं ऐसी बातें मत कहो बहू, रामपाल का लड़का भी तो शादी के काबिल है। है तो है। हाँ वो शादी करना चाहते हैं तो करे। कैसे? अरे भाई तुम लड़के के बजाय लड़की ब्याह देना, जवान लड़की भाई कब तक घर में बैठाए रहोगे भगवान के फजल से बोलो। हम नगद नारायण कहाँ से लाएंगे? अरे भाई देखो ना, बात करने में क्या हर्ज है, रामपाल आखिर रिश्ते के लिए ही तो आए हैं भगवान के फजल से। मुंशी जी आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अमा भाई इसमें हर्ज क्या है, बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं है लेकिन दहेज भरपूर मिलना चाहिए। गरीब भाई गरीब आदमी है ये, देखो भाई दुलारे भाई पर दया कीजिए और अपनी फरमाइश बताइए। ज्यादा कुछ नहीं मुंशी जी, बस यही कोई 20,000 का फलदान होगा। 20,000? जी हाँ, और 10 थान सोने का जेवर, 4 थान चांदी के जेवर और 5 बनारसी साड़ियाँ। रामपाल जी हम दीन हैं, आप दीन बंधु हैं, हमसे जो पान फूल बन पड़ेगा। कैसी बात करते हैं भाई साहब, पान फूल से सिर्फ देवता प्रसन्न होते हैं। जी भाई देखिए बात ये है कि दुलारे भाई गरीब हैं, हाँ लेकिन इनका खानदान बहुत ठीक है। गरीब है तो मैं इनसे टेलीविजन नहीं लूंगा, लेकिन मोटरसाइकिल तो देनी ही पड़ेगी। मोटरसाइकिल वो तो आपको भगवान ने दिया है, मैं सिर्फ साइकिल दे सकता हूँ। साइकिल अपनी अपने पास रखिए, मैं आपके घर शादी नहीं करूंगा। अजी भाई रामपाल जी दुलारे भाई का अरमान रखिए, हाँ बेचारे वैसे भी कुदरत के कारखाने से ठगे हुए हैं भगवान के फजल से। हाँ मुंशी जी दहेज की मांग पहले दुलारे भाई ने की थी, इसमें मेरी क्या गलती? बात तो भाई ठीक है भाई, दुलारे भाई तुम दहेज ले रहे थे तो देने में क्या हर्ज भगवान के फजल से? मुंशी जी बोलो, मेरी तो मत मारी गई थी, मुझसे भूल हुई, भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ मुंशी जी, ब्याह का कोई सौदा नहीं है, दहेज लेना पाप है। बोलिए भाई रामपाल जी अब आप क्या कहते हैं भगवान के फजल से? ठीक है मुंशी जी, मैं भी दहेज नहीं लूंगा। तो आप मेरी बेटी से अपना बेटा ब्याहेंगे? जी नहीं, मैं आपके बेटे से अपनी बेटी ब्याहूंगा। बेटा? हाँ भाई जी हाँ, दुलारे भाई आपके बेटे ने फिलहाल बेटी बनने का इरादा छोड़ दिया है। मुंशी जी आप सच कहते हैं? अरे और क्या मैं झूठ कहता हूँ भाई, यकीन ना हो तो देख आइए, राजन मेरे घर में बैठा है मुंशियान के पास। अरे भगवान सुनती हो, अपना राजन रजनी नहीं बनेगा। अरे भाई सुनो तो चल कहाँ दिए दुलारे भाई? राजन की अम्मा को मना कर दो मुंशी जी, वो बक्से से साड़ी ब्लाउज निकाल। अरे भाई साड़ी की फिक्र छोड़ो, पहले परीक्षा तो लेते जाओ भगवान के फजल से। परीक्षा में बाद में लूंगा, पहले एक भिक्षा दीजिए। अरे भाई मांग लो क्या मांगते हो भगवान के फजल से बोलो। ये बताइए राजन को दर्द नहीं था तो इतना बड़ा झूठ ये सब? राजन बाबू को दर्द था। कैसा दर्द था भैया? भाई दर्द ये था कि वो रामपाल की बेटी के बगैर जी नहीं सकता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम रोकने वाले कौन है भैया? मियाँ बीबी राजी तो कहा करें। ये बात तुम अब कह रहे हो दुलारे भाई, पहले तो दहेज न मिलने पर काशीवास करने पर आमादा थे भगवान के फजल से। मुंशी जी ने आपको सही राह पर लाने के लिए मुझसे मिलकर नाटक किया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं है समझी जी। अरे घास गिरी तो गिरी पर गिरी बहुत मिट्टी है। दुलारे भाई तुमने दहेज का दूसरा पहलू देख लिया भाई, ये ठीक ही रहा। अब कभी मत भूलना कि दहेज के दलदल में फंसने वालों का जमाना अब नहीं रहा भगवान के फजल से। यहाँ नहीं मुंशी इतवारी लाल। अभी आपने नरेश मिश्रा की लिखी ये झलकी सुनी, निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।